आज का ये जो आयोजन है आपका, तो इसके लिए आपने इसी जगह को प्रेम निवास को क्यों चुना? देखिए, ये उनका जन्मदिन है और हम जन्मदिन इसलिए मनाते हैं उनका कि ताकि ये लोग उनको प्रार्थना करें और उनके स्वर्ग की रास्ता आसान हो और इस देश में, इस देश की प्रथम महिला लौह महिला जो थी, जिन्होंने इस देश में 3 बड़े काम करे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उन्होंने, पाकिस्तान को परास्त करके बांग्लादेश का उदय किया उन्होंने, उसके बाद जो तमाम रजवाड़े थे उनको प्रीवर्स करके लोगों के जो राजशाही खजाने पे अंकुश लगा के उनको सत्ता में शामिल करने का काम किया। ये 3 बड़े जो काम उनके हैं, पूरा दुनिया, पूरा देश याद करता है। और हम ये कहना चाहते हैं कि असली सर्जिकल स्ट्राइक अगर किसी ने इस देश में किया है तो वो केवल इंदिरा गांधी ने किया है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के टुकड़े कराकर किया है। 90,000 सैनिक हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के बंद करके ये इतिहास बनाया है और पूरे देश को अपनी ताकत का एहसास कराने वाली महिला इंदिरा गांधी जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं। आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, इस देश ने ऐसे प्रधानमंत्री दिए हैं जिन्होंने देश को चुनौती देने का काम किया है, देश के निर्माण का काम किया है। एक ईमानदार, निर्भीक और स्वतंत्र निर्णय लेने वाली महिला जो देश की प्रधानमंत्री रहीं, जिन्होंने इस देश में भरपूर काम किया और अपनी मृत्यु से पहले अपने जीवन की सारी कमाई, सारी अपने खानदान की प्रॉपर्टी को इस देश के नाम कुर्बान कर दिया। और आज मैं बड़े गर्व के साथ, हम कांग्रेस में इसलिए हैं कि बड़े गर्व के साथ ईमानदार, कर्मठ और जुझारू नेता जिन्होंने सारी संपत्ति इस देश को दान कर दी, और आज उनके बेटे राजीव गांधी के नाम, चाहे उनकी बहू सोनिया गांधी के नाम, चाहे राहुल, आप लोग पीछे रहो, एक फोटो बढ़ जाता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आ जाओ, आते रहो मेरे भैया, नहीं कैसे हो जाओ, हम आप पीछे होने का ही नहीं।